हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप रेवाड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में अपनी सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जो सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो फॉर्म है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रेवाड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का। सबसे पहले आप यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देंगे जिस ब्रांच में आप इस फॉर्म को जमा कर रहे हैं या जिस ब्रांच में आप अपनी अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे डेट लिख देंगे, ये ऑफिस यूज के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा टाइप ऑफ अकाउंट में हम सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हम सेविंग अकाउंट में टिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल भरेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट अप्लीकेंट, सेकेंड अप्लीकेंट, थर्ड अप्लीकेंट दिया हुआ है, यानी ये ज्वाइंट अकाउंट के लिए। अगर एक से ज़्यादा मिलकर अकाउंट खुलवाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आप सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट अप्लीकेंट में आपको अपना यहाँ नाम लिखना है। आपका नाम मान लीजिए है सुधीर, तब एक बॉक्स में एक लिखेंगे कैपिटल में सुधीर, और यहाँ पे एक स्पेस छोड़कर फिर अपना पूरा दूसरा सुधीर सिंह, ठीक है। सेक्स लिख देंगे, मेल या फीमेल, तो मैं मेल यहाँ लिख देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपने फादर नाम लिखना है, अगर मेल हैं तो फादर नाम, और लेडी हैं अगर उनकी शादी हो गई है तो अपना हस्बैंड नाम लिखेंगे, अगर शादी नहीं हुई है तो फादर नाम लिखेंगे, ठीक है। क्या मैं अपने फादर का नाम लिख देता हूँ एक एक करके, एक बॉक्स में एक अक्षर रणधीर सिंह। फिर यहाँ पे मदर नाम लिख देना है एक घर में एक अक्षर। फिर आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना जो आपकी अकाउंट में लिंक की जाएगी। और फिर से आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है। ठीक, ये सेकेंड अप्लीकेंट का। अगर ज्वाइंट अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो सेकेंड अप्लीकेंट का भी यहाँ पे डिटेल सेम भर देंगे, नहीं तो आप इसको सीधा ऐसे काट देंगे, ठीक है, सेकेंड और थर्ड का। अब आता है एड्रेस। फर्स्ट अप्लीकेंट आप अपना यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख देंगे, जैसे विलेज मैंने रेवाड़ी लिख दिया, पोस्ट भी रेवाड़ी, ऐसे अगर कुछ भी और आपका एड्रेस हो, वार्ड नंबर, तो आप यहाँ पे पूरी भर देंगे। फिर आप अपना यहाँ पे पिन कोड लिख देंगे अपने एरिया का, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट अप्लीकेंट का। सेकेंड अप्लीकेंट, थर्ड अप्लीकेंट यहाँ नहीं है तो इसको यहाँ पे कार्ड देना है, ठीक है। फिर आता है पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको फॉर्म 60 या 61 फिलअप करना है जो लास्ट में दिया हुआ है। यहाँ हम मान के चलते हैं कि पैन कार्ड अवेलेबल है तो हम यहाँ पैन नंबर लिख देंगे, ठीक है, फर्स्ट अप्लीकेंट का। सेकेंड और थर्ड अप्लीकेंट नहीं है यहाँ पे तो इसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी आईडी कार्ड हमें देना, एनी वन डॉक्यूमेंट फ्रॉम बिलो लिस्ट आइडेंटिटी या रेसिडेंस प्रूफ, तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, मान लीजिए वोटर कार्ड दे रहे हैं तो वोटर कार्ड में टिक कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड दे रहे हैं, या अगर हम इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड ऑफ जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वहाँ की आईडी कार्ड दे रहे हैं, आप जो भी दे रहे हैं उस पर आप टिक कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है अगर जिन एप्लीकेंट इज माइनर, अगर हम जिनका अकाउंट खोल रहे हैं वो माइनर है, आज की डेट में 18 साल से कम है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगानी है और एक गार्जियन अपॉइंट करना है, उस गार्जियन का यहाँ पर नाम लिखना है और उस माइनर के साथ गार्जियन का क्या रिलेशन है यहाँ पे देना है। अगर ये एप्लीकेबल है तो आप इसको भरेंगे वरना छोड़ देंगे। फिर आता है मोड ऑफ ऑपरेशन, अकाउंट का संचालन कैसे किया जाएगा। ये सिंगल अकाउंट है तो जाहिर सी बात है इसमें सेल्फ होगी, वही अगर ज्वाइंट अकाउंट होता तो आप आइडर सर्वाइवर, ज्वाइंटली फॉर्मर सर्वाइवर कुछ भी रख सकते थे। फिर यहाँ पे है कि क्या मैं SMS फैसिलिटी लेना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है मोबाइल नंबर है तो SMS फैसिलिटी मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे और मोबाइल नंबर लिख देंगे। आप यहाँ सेम मोबाइल नंबर लिखना जो आपने ऊपर में लिखा हुआ है और यहाँ पे यस में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी पेज में। देखिए दूसरी पेज में ये टर्म डिपॉजिट का दिया हुआ है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट खोलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके डिटेल भरेंगे, पर यहाँ पे सेविंग अकाउंट खोलवाना है तो इसको कट कर देंगे। ये भी MIS के लिए और ये करेंट अकाउंट के लिए, करेंट अकाउंट हमें खुलवाना है तो हम इसको फिलअप करेंगे वरना छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अकाउंट ऑपरेशन एंड डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम जो फर्स्ट होल्डर है जो अकाउंट खुलवा रहे हैं यहाँ अपना यहाँ पासपोर्ट साइज एक फोटो लगाएंगे और अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, वही सिग्नेचर इनके स्पेसिमेन सिग्नेचर होगी, अकाउंट में लिंक होगी, ठीक है। आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे
और यहाँ पे एक दिया हुआ इंट्रोडक्शन डिटेल, आपको एक ऐसे कस्टमर द्वारा अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है जो पहले से इस बैंक के कस्टमर हो। तो मान लीजिए आप जिसको भी जो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो इस कॉलम को भर रहे हैं, वो अपना नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, ब्रांच लिखेंगे, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं इनको कम से कम 6 महीने से जानता हूँ, और वहाँ पे आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे वो इंट्रोड्यूसर, और यहाँ पे जो ब्रांच के ऑफिशियल है वो सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरे पेज में क्या दिया हुआ है। देखिए अब हम आ जाते हैं नो ईयर कस्टमर सर्टिफिकेट, ये भी हमें फिल करना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल, ऑक्यूपेशन आप क्या है, सर्विस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस है या स्टूडेंट है या रिटायर है या कुछ और, आप जो भी हैं आप यहाँ लिख देंगे तो हम मान के चलते हैं कि आप सेल्फ आप सर्विस करते हैं या एम्प्लॉयड या जो भी हैं आप अपने हिसाब से इसको टिक कर देंगे। अगर पूछ रहा है आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसमें क्या है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, बिजनेस है, सी है या कुछ और है, आपका अगर जो एप्लीकेबल है आप लिख दीजिएगा। फिर इनकम पूछा जा रहा है, मंथली इनकम क्या है, तो आप अपने मंथली इनकम यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसी को एनुअल में 12 से गुना करके आप इसको लिख दीजिएगा जितना होता है। ठीक, फिर टर्नओवर, अगर आप बिजनेस में तो आपके मंथली टर्नओवर कितनी है और ईयरली कितनी है ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अप्रोक्सीमेट। फिर फैमिली का डिटेल पूछा जा रहा है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस की डिटेल पूछी जा रही है, तो मैं अपनी यहाँ पे वाइफ का नाम लिख दूंगा। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पाउस की पूछी जा रही है, उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, और मैरिज एनिवर्सरी पूछी जा रही है कि शादी कब हुई थी। ये इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको उस डेट में बैंक विश करेगी SMS के थ्रू। आपकी मदर टंग यहाँ पे पूछी जा रही है, तो आपकी मदर टंग जो भी है आप यहाँ लिख देंगे, हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे का यहाँ पे नाम लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, रेसिडेंस, मैरिड है या सिंगल है, ये सब देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछी जा रही है, आप इलिटरेट है, इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है या HS किए हुए, ग्रेजुएट, जो भी आपकी एप्लीकेबल है आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपकी यहाँ पे रिलीजन पूछी जा रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, और उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछी जा रही है, आप जनरल में आते हो, OBC में, SC है, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगर आप सर्विस कर दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ सर्विस करता हूँ, तो फिर आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जा रहा है जहाँ आप काम करते हैं, तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लिख देंगे और अपना डेजिग्नेशन लिख देंगे। क्या अगर इस आपने आपकी नो नंबर पूछी जा रही है डीलिंग विथ अदर बैंक, क्या दूसरे बैंक के साथ आपका लेन देन है, आपकी अकाउंट है, अगर यस है तो यस कर देंगे, नो है तो नो, अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर उस बैंक का नाम और ब्रांच नाम आपको यहाँ भरना होगा, किस तरह का अकाउंट है यहाँ पे लिखना होगा। फिर पूछा जा रहा है कि आपने लोन लिया हुआ है कहीं से भी, अगर यस है तो किस टाइप का लोन है आप यहाँ लिख देंगे, अगर आप कहें तो कार लोन, होम लोन, पर्सनल एजुकेशन लोन, नहीं है तो सीधा इसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, फिर आपकी यहाँ संपत्ति एसेट के बारे में पूछा जा रहा है, टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितने आपके पास संपत्ति है, तो आप कुछ भी लिख देंगे, 10 लाख 15 लाख जो भी आपके पास है वो आप लिख देंगे, छिपानी नहीं है। एग्रीकल्चर अगर लैंड है तो वो भी लिख देंगे, आपके पास संपत्ति में क्या है, जैसे गाड़ी में कार है, टू व्हीलर है, अदर है या कुछ भी नहीं है, तो जो भी अप्लीकेबल है आप यहाँ लिख देंगे। घर, आप जिस घर में रहते हैं वो आपका है या खानदानी है या रेंटर पे है, तो जैसा है आप यहाँ पे लिख देंगे। आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है तो कितना का प्रीमियम है लिख देंगे, अदर इन्वेस्टमेंट, कोई अदर एसेट लिख देंगे। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो ट्रू है, और फिर से आप अपना यहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है फॉर्म D और नॉमिनेशन, क्या आप अपने अकाउंट में नॉमिनी चाहते हैं, हाँ चाहते हैं तो आप टिक कर देंगे। फिर यहाँ पर नॉमिनी लिख यहाँ पर आप भरेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, आई सुधीर सिंह, CBI रेवाड़ी, फिर यहाँ भी ब्रांच का नाम लिख देंगे, कोऑपरेटिव बैंक रेवाड़ी, जिस ब्रांच में आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं। अब आप जिसको नॉमिनी बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे, जैसे मैं अपने वाइफ को बना रहा हूँ तो मैंने उनका यहाँ पे नाम लिख दिया, रिलेशनशिप क्या है, मेरी वाइफ है तो स्पाउस लिख देना है, उनकी एज लिख देने हैं, और अगर आप जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उनकी आज के डेट में वो माइनर है, 18 साल से कम उम्र है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और फिर आपको अपना यहाँ पे एक गार्जियन अपॉइंट करना है। तो मैंने कोई भी गार्जियन अपॉइंट नहीं करा है क्योंकि ये माइनर नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए,
अगर जो अकाउंट खोल रहे हैं वो अगर इलिटरेट है, वो साइन के जगह अगर टिप्पा देते हैं, तो यहाँ पे दो विटनेस चाहिए, एक नंबर दो नंबर। पर वहीं अगर आप साइन करते हैं तो आपको कोई भी ये नहीं चाहिए, सॉरी क्या बोलते हैं, कोई भी आपको विटनेस नहीं चाहिए, आप सीधा यहाँ पे अपना साइन कर देंगे नॉमिनी वाले कॉलम को भर के। ठीक है, ये था, देखिए हमने कहा था ऊपर में कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 और फॉर्म 61 आपको भरना होगा। फॉर्म 61 में एग्रीकल्चर इनकम आपको दिखाना होता है कि मेरी जो भी इनकम है एग्रीकल्चर इनकम है, और यहाँ पे है कि पैन कार्ड नहीं है पर क्या आप टैक्स भरते हैं, अभी तक आपने पैन कार्ड क्यों नहीं लिया, तो ये आपको यहाँ पे भरना है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, और यहाँ पे साइन करना है और ये काउंटर पे जमा दे देना। अब लास्ट पेज में हम देखते हैं क्या है, देखिए लास्ट पेज में वही फॉर्म 16 का डिटेल आपको भरना है कि अगर आप टैक्स करते हैं तो कितना कितना टैक्स लगता है, अगर टैक्स नहीं है तो आप सीधा यहाँ नो कर देंगे, फिर आपको यहाँ नहीं भरना पड़ेगा यहाँ साइन। वही फॉर्म 61 में एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं तो कितनी आपकी इनकम है ये सब यहाँ पे दिखाना है। तो चलो दोस्तों, ये थी रेवाड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।